नमस्कार, आप देख रहे हैं सिल्क टीवी और मैं हूं आपके साथ निशा। आइए करते हैं खबरों की शुरुआत। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। विधायक के पुत्र पर गोलीबारी के लगे आरोपों का पुलिस ने किया खुलासा। एमएलए सहित चार लोगों पर दर्ज हुआ एफआईआर। नवगछिया में मुखिया के भाई पर अपराधियों ने की ताबड़तोड़ फायरिंग। गोलियों की तड़तड़ाहट से दहला इलाका। हथियार के बल पर जीप सदस्य के ड्राइवर से बदमाशों ने लूटे रुपये। जांच में जुटी पुलिस। वाहन जांच के दौरान ट्रैफिक पुलिस से उलझा युवक। जमकर हुआ हाई वोल्टेज ड्रामा। और उत्पाद विभाग के स्पेशल कोर्ट ने महिला को सुनाई 5 वर्ष कैद की सजा। अब खबरें विस्तार से। भागलपुर में हुए 19 कट्ठा जमीन विवाद मामले को लेकर पुलिस एक्शन में आ गई है। सोमवार को जमीन विवाद में दो पक्षों के बीच जमकर मारपीट और गोलीबारी हुई, जिसमें जमीन मालिक लाल बहादुर सिंह, उनकी पत्नी माधुरी, पुत्र वीर बहादुर और उसका साथी रवि उर्फ शरद गंभीर रूप से घायल हो गया। वहीं रवि की गंभीर हालत को देखते हुए बेहतर इलाज के लिए चिकित्सकों ने उसे मायगंज से सिल्लीगुड़ी अस्पताल रेफर कर दिया। जबकि मामले में पीड़ित पक्ष ने गोपालपुर विधायक गोपाल मंडल, उनके पुत्र आशीष मंडल, धनंजय यादव और दिलीप मंडल सहित 20 अज्ञात लोगों पर केस दर्ज किया गया है। पीड़ित लाल बहादुर सिंह ने मामले में 19 कट्ठा जमीन का जिक्र किया है, जिसे विधायक गोपाल मंडल लंबे समय से कब्जा करना चाहते हैं। साथ ही घटना में आशीष मंडल के द्वारा उनके परिवार पर हमला कराने और फायरिंग कराने का भी आरोप लगाया गया है। हालांकि विधायक गोपाल मंडल इन सभी आरोप को बेबुनियाद बता रहे हैं। वहीं मंगलवार को पीड़ित पक्ष के फर्द बयान पर सभी आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराया गया, जिसके बाद एएसपी शुभम आर्य के नेतृत्व में भारी संख्या में थाना और सीआईएटी के जवान विधायक के ठिकानों पर पहुंचे और विवादित जमीन का निरीक्षण किया। इधर निरीक्षण के दौरान एएसपी ने बताया कि पूरा मामला जमीन विवाद का है और पुलिस हर बिंदुओं पर जांच कर रही है, जबकि जमीन खरीदार और देनदार से भी पूछताछ कर सभी रिकॉर्ड को खंगाला जा रहा है। साथ ही कहा कि जांच पूरी हो जाने पर दोषियों की गिरफ्तारी भी की जाएगी। चार तो स्पष्ट बताए गए, नाम लिखे गए हैं। एक में बोले गए हैं कि जो विधायक जी हैं उनका नाम बोला गया, उन्होंने बोला कि उनके संरक्षण में चीज़ें हो रही हैं, तो उनका भी नाम उसमें लिखा गया था, आवेदन में लिखा गया। अब हम जांच कर रहे हैं, सभी बिंदुओं पे हम थोड़ा साक्ष्य एकत्रित कर रहे हैं और जैसे ही हमारे पास पर्याप्त साक्ष्य होंगे हम आवश्यक कार्रवाई करेंगे। गोली चली थी कि नहीं? गोली चलने का तो निशान है ही, क्योंकि जो इंजरी है उसमें इंजरी में देखा जाए तो एक तो छोटे छोटे पैलेट वाली गन है जो फायर हुई थी, जिसकी वजह से उनके पूरे शरीर पे, खासकर पेट पे और चेहरे पे पैलेट इंजरी आई है। तो गोली चलने का तो बात सामने आई है। साक्षी लोग भी जो यहाँ पे रह रहे थे, जो एक तरह से किराए पर रह रहे थे, तो वो लोग भी इस बात की पुष्टि करते हैं। हमारा तो कोई मामला है, हमारा लड़का भले जाते हैं दिन में सवेरे, क्या चीज़ का कमी है, राशन पानी देने के लिए, फिर शाम में जाता है हिसाब लेने के लिए। तो हमारा तो होटल है 1 बीघे में, तो होटल से मतलब फिर लड़ाई हम लोग क्यों करेंगे घर जाके? वो तो प्रवीण झा, दरोगा जी हैं, जवाहर जी हैं, किसके किसके यहाँ जमीन बेचा है, क्या मामला है, वह मामला कोर्ट में लंबित है। हम लोगों से तो कोई लड़ाई ही नहीं है, कोई झंझट नहीं। अब सीधा आरोप लगा दे मेरे बेटे पर या गोपाल मंडल के इशारे पर हुआ तो लगाने इसको कोई रोक नहीं सकता, अपना मुँह है बोलते रहे। आ तू उतना सुबह का है 5 बजे आकर दीवार गिरा दिया, 50-60 आदमी साथ गोली चली है, गोली उन लोगों ने चलाया है, उन लोगों ने गोली, जिसको गोली लगा है शायद माथे में लगा है, कहाँ लगा है, तो गोली वो आदमी कौन है उसका पहले जांच पड़ताल करे पुलिस वाला, वो आदमी कहाँ से आया। 50-60 आदमी से आके सब दीवार एक तरफ से गिरा दिया तो हमारा नहीं गिराया, उन लोगों का मामला है। हम चार पार्टनर थे, जिसमें एक मुकेश जी, हम, शास्त्री लड्डू मामा, जो जिसको शास्त्री कहते हैं, कौन शास्त्री कहते हैं वो, एक अनिल मामू थे, चार पार्टनर। सबों ने जमीन अपना बेच दिया, हमने बेचे।
नवगछिया पुलिस जिला के रगरा थाना क्षेत्र अंतर्गत वैशी पंचायत मुखिया प्रतिनिधि कुमोदी यादव के भाई निकेश पर अपराधियों द्वारा ताबड़तोड़ फायरिंग की गई, जिसकी चपेट में आने से युवक निकेश गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना को लेकर बताया जा रहा है कि निकेश यादव भवानीपुर में फोटो स्टेट दुकान में फोटो कॉपी करवा रहे थे, तभी नवगछिया थाना की ओर से एक मोटरसाइकिल पर सवार 3 अज्ञात अपराधी उसके पास पहुंचे और उस पर ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। बताया जा रहा है कि घटना में निकेश के हाथ, सीने और में 3 गोली लग गई है। वहीं घटना की सूचना मिलते ही परिजन घटनास्थल पर पहुंचे, जिसके बाद परिजनों की मदद से आनन फानन में निकेश को नवगछिया अनुमंडल अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसकी स्थिति को गंभीर देखते हुए डॉक्टरों ने बेहतर इलाज के लिए उसे भागलपुर मायगन अस्पताल रेफर कर दिया। इधर घटना के बाद पूरे इलाके में दहशत का माहौल हो गया, जबकि सभी दुकानदार अपनी अपनी दुकानें बंद कर वहां से चले गए। सीसीटीवी लाइन रहता तो चलता है, नहीं तो नहीं चलता। उस समय संयोग देखिए कि लाइनें नहीं। तो आप फोटो कॉपी जो कर रहे थे किस पे कर रहे थे? वो तो छोटा सा इन्वर्टर है, देख पाए थे क्या? नहीं, अपना काम पे ध्यान था, उसके क्या दे ध्यान देते। हमने अपने लोग काम कर रहे थे, वो एक छोटा सा इन्वर्टर है, बैटरी है, छोटा देख लीजिए, लाल कलर का था वो गाड़ी, लाल कलर। कौन सी गाड़ी थी वो, कौन सी थी ये भी नहीं पता। एक नज़र में जितना मैंने देख पाया वही मैंने देखा। भागलपुर मधुसूदनपुर थाना अंतर्गत किशनपुर मोड़ यात्री सेट के समीप 2 अज्ञात बाइक सवार बदमाशों ने हथियार के बल पर जिला परिषद सदस्य के प्राइवेट ड्राइवर से 1.5 लाख रुपए लूट की घटना को अंजाम दिया है। वहीं घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची मधुसूदनपुर थाना पुलिस की गश्ती टीम मामले की छानबीन में जुट गई। इसको लेकर पीड़ित ड्राइवर बिरजू यादव ने बताया कि कजरैली के गौरा चौकी से ट्रक ऑनर भाकुल यादव से कर्ज का 1.5 लाख रुपया वापस लेकर वह बाइक से अपने घर किशनपुर जा रहा था, तभी पहले से घात लगाए बदमाशों ने किशनपुर मोड़ यात्री सेट के पास हाथ देकर उसे रोकने का इशारा किया और बाइक रोकते ही बदमाशों ने हथियार के बल पर लूट की घटना को अंजाम देकर दोगच्छी की ओर फरार हो गए। वहीं घटना को लेकर गश्ती टीम ने बताया कि लूट की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी। इधर पीड़ित ड्राइवर बिरजू यादव ने कहा कि घटना की सूचना मिलने पर तुरंत पुलिस मौके पर पहुंची, जिसके बाद घटना की मंगलवार को लिखित शिकायत दर्ज करा दी गई है। वो किया था आपको? नहीं, मेरे साथ मारपीट नहीं किया है। अच्छा, हमको सिर्फ हाथ मारा तो हमको लगा कि मेरा क्षेत्र है, कोई अपना बंदा होगा। हमने गाड़ी स्लो कर दी है कि कोई दोस्त प्रेम होगा, हम उसको ले लेंगे साथ में। गाड़ी रोके, मेरा जेब का तलाशी लिया, उन्होंने पैसा लेके निकल गया। मेरे साथ मारपीट नहीं किया गया है। थाना को सूचना दिए थे? थाना सूचना दिए, थाना 10 मिनट के भीतर में मेरे पास आया, मेरा इंक्वायरी किया, उन्होंने कहा कि आप लिखित आवेदन दीजिए, उसके ऊपर कार्रवाई किया जाएगा। भागलपुर की कचहरी चौक पर वाहन चेकिंग के दौरान मंगलवार को पुलिस और एक बाइक सवार युवक के बीच जमकर हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला, जहां लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई। दरअसल बिना हेलमेट लगाए ट्रिपल लोडिंग कर जा रहे मोटरसाइकिल सवार युवक को जब ट्रैफिक पुलिस के द्वारा रोक कर उसकी फोटो खींची गई तो युवक गुस्से से लाल पीला हो गया। वह इसके पास सिपाही और युवक के बीच आपस में काफी देर तक बहसबाजी चलती रही और वहां लंबा जाम भी लग गया। हालांकि पुलिस ने बाद में युवक और उसकी बाइक को बीच सड़क से हटाकर साइड भी किया, लेकिन वहां भी युवक नियम कानून का हवाला देकर पुलिस से बदसुलूकी करता नजर आया। वहीं इसकी सूचना मिलने पर यातायात प्रभारी मौके पर पहुंची और युवक को हिरासत में लेकर पुलिस अपने साथ युवक को ट्रैफिक थाने ले आई। युवक की पहचान भीकनपुर विशहरी स्थान के पास रहने वाले बिट्टू कुमार के रूप में हुई है। हाँ, अभी हमें सूचना मिली है कि कचहरी चौक पर एक बाइक पर 3 लड़के थे, ट्रिपल लोडिंग था और हेलमेट भी नहीं पहने थे। इस पर ट्रैफिक पुलिस के द्वारा उसको रोका गया तो इस पर वो लड़का उत्तेजित होकर सुनते हैं बदतमीजी किया है और इसी के आधार पर उसको थाना भिजवाया गया है और पता चला है कि उस लड़का का नाम बिट्टू है और पहले ये तातारपुर थाना से आम से जेल जा चुका है। इसलिए हम संबंधित थाना को फ़ोन कर दिए हैं, पूछताछ जारी है, आगे कार्रवाई की जाएगी। भागलपुर के उत्पाद विभाग कोर्ट 2 के ADJ 12 शरद चंद्र श्रीवास्तव की अदालत ने स्पेशल एक्साइज के तहत सुनवाई की। इसको लेकर मंगलवार को हुए ट्रायल में बताया गया कि गुप्त सूचना के आधार पर 12 अप्रैल 2022 को सुशीला देवी के घर से 42 लीटर किनवीन ताड़ी पुलिस द्वारा बरामद कर जब्त किया गया था। वहीं इसको लेकर उत्पाद कोर्ट 2 के स्पेशल APP भोला मंडल ने कहा कि इस केस में सभी गवाह के गुजरने के बाद ADJ 12 शरद चंद्र श्रीवास्तव की अदालत ने सुशीला देवी को 5 साल की सजा और 1 लाख जुर्माना आर्थिक दंड की सजा सुनाई, जबकि आर्थिक दंड नहीं देने पर दोषी महिला को 3 महीने की अतिरिक्त सजा काटनी होगी। आज ADJ 12 उत्पाद कोर्ट 2 मान्य श्री शरद चंद्र श्रीवास्तव साहब के यहाँ साकुन सजौर 93/22
स्पेशल एक्साइज 827/22 का ट्रायल कंक्लूड हुआ। उस ट्रायल में के दौरान अभियुक्त सुशीला देवी की घर से 42 लीटर किन्विन तारी बरामद हुआ था। यह 12/4/22 को पुलिस को गुप्त सूचना मिली कि सुशीला देवी के यहाँ तारी अवैध रूप से खरीद बिक्री किया जाता है। उस पर पुलिस ने छापेमारी किया और उसके घर से किन्विन तारी 42 लीटर बरामद हुआ और उसमें आज ट्रायल कंक्लूड हुआ। उसमें अभियुक्त सुशीला देवी को 5 साल की सज़ा और 1,00,000 रुपया जुर्माना, नहीं देने पर 3 महीनों की अतिरिक्त सजा सुनाई गई। अब तो चला एक छोटे से ब्रेक का, फौरन लौटेंगे, देखते रहिए सिल्क टीवी। फिर से एक बार आपका स्वागत है। बढ़ते अगली खबर की ओर। भागलपुर सुल्तानगंज के मस्ती पंचायत एवं अस्याचक पंचायत को जोड़ने वाले मुंगेर मिर्जा चौकी 4 लेन में अंडरपास नहीं बनने को लेकर दोनों पंचायत के ग्रामीणों ने जमकर विरोध प्रदर्शन और हंगामा किया। वहीं इस मामले में पंचायत के ग्रामीणों का कहना है कि मुंगेर से मिर्जा चौकी तक 4 लेन निर्माण में मस्ती से अस्याचक पंचायत को जोड़ने वाली सड़क में अंडरपास नहीं दिया जा रहा है, जिससे इस क्षेत्र के ग्रामीणों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। लोगों ने कहा कि प्रोजेक्ट मैनेजर विनय पांडे को पहले ही इसकी जानकारी देकर दोनों पंचायत के मुखिया ने ग्रामीणों के आग्रह पर अपने लेटर पैड के माध्यम से प्रोजेक्टर मैनेजर विनय पांडे को आवेदन दिया था। ग्रामीणों ने कहा कि 2 माह बीत जाने के बावजूद यहां पर अंडरपास नहीं बना और अब प्रोजेक्ट मैनेजर विनय पांडे इस संबंध में NHI ऑफिस में बात करने को कह रहे हैं। वहीं इसके बाद NHI भागलपुर कार्यालय में जब बात की गई तो वहां किसी तरह का आवेदन जमा नहीं किए जाने की जानकारी मिली। इधर NHI और प्रोजेक्ट मैनेजर के बीच के विवाद में अंडरपास का काम नहीं होने के विरोध में ग्रामीणों ने मंगलवार को अंडरपास की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। पर हम पासा नहीं है, वृद्धा आदमी है, खेत यहाँ पर पड़ता है, कैसे कटवाने के लिए आवेगी, कैसे समटवाने के लिए आवेगी, कैसे बोलेंगी? अंडरपास चाहिए, बस अंडरपास चाहिए जाने के लिए। हाँ, हमको तो बराबर चाहिए। मस्जिद 2A रोड जो है, इसके लिए अंदर पास के लिए मैं विनय पांडे से बोले थे और वो प्रक्रिया हमको बताया, तो प्रक्रिया के हिसाब से वो लेटर पैड पे मुखिया जी का साइन, निशा कुमारी और ये आपका जो सदानंद
सिंह जो है दोनों का लेटर पेड पे दिया गया था अस्याचक पंचायत को विनय पांडे जी को। अब विनय पांडे जी ये को इसको ऑफिस में जमा नहीं किया, मैं जीएम सर से बात किया, जीएम बताया ऐसा कोई हमको आवेदन नहीं आया है, अभी जमा नहीं हुआ है। तो उसी ने फिर बताया कि जो है कि आप खुद ही जाके जमा कीजिए, किसी को अदरवाइज को नहीं जमा कीजिए, आप खुद ग्रामीण साइन मोहर जो भी है करके अपने से खुद जाकर जमा कीजिए। तो इस प्रक्रिया के लिए फिर हम आप आज आए हैं ग्रामीण सब मिल जुल के, क्योंकि दोनों साइड किसान का खेत पड़ता है, मैनेजर इधर भी पड़ता है इधर भी पड़ता है, दोनों साइड खेत पड़ता है, तो इसीलिए नहीं हो रहा है क्योंकि ये भला फुसला के बच्चे की तरह कर रहा है। जमीन विवाद को लेकर अक्सर कोई ना कोई घटना सामने आती रहती है, लेकिन एक ऐसा मामला आया है जिसमें किराएदार द्वारा भाड़े के मकान पर अपनी दावेदारी करने का प्रयास किया जा रहा है। मामला भागलपुर ततारपुर थाना क्षेत्र के सराय कोतवाली के समीप का है, जहां किराए में रह रहे व्यक्ति ने मकान मालिक के साथ गाली गलौज कर उनसे मारपीट की और इसके बाद मकान मालिक और उनके समर्थकों के खिलाफ झूठा मुकदमा भी दर्ज करा दिया। घटना को लेकर पीड़िता साहिबा परवीन ने बताया कि दोपहर के समय वो और उसकी मां घर में अकेली थी, तभी इसका फायदा उठाते हुए किराएदार और उसके सहयोगी मोहम्मद सोनू की पत्नी जहां आरा और मोहम्मद जमाल का पुत्र मोहम्मद अजीज उन लोगों को भद्दी भद्दी गालियां देने लगा। साहिबा परवीन ने कहा कि इसके बाद महिला जहां आरा द्वारा उसका गला दबाने की भी कोशिश की गई, जबकि अपने आप को बचाने के क्रम में पीड़िता को हाथ में काफी चोट भी लग गई। बताया जा रहा है कि पीड़िता के पिता स्वर्गीय मोहम्मद शमीम आजाद के घर पर जहां आरा और अजीज किराए पर रहते हैं और रेंट को लेकर हुए विवाद के बाद मामला काफी बढ़ गया, जबकि अब किराएदार घर छोड़ने और किराया देने से भी साफ मना कर रहे हैं। इसी को लेकर पीड़िता ने प्रशासन से मदद की गुहार लगाते हुए उनके घर से किराएदार को हटाने की मांग की है। भाड़ेदार जो है ना हमारे घर में रह गई है, वो मकान खाली नहीं करती है, ऊपर से बोलते हैं तो घर घुस के मारपीट करती है, और हमारे पापा नहीं है घर पे, वो पापा डेट कर गए हैं, सिर्फ मेरे हस्बैंड ही, सिर्फ मेरे भाई हुई नहीं है। मैं कितने दिन से रह रही है वो 2019 में ही रही थी आकर, वो नकली पेपर बना लिए है, बना के घर पे रहती है और परेशान भी बहुत करती है। अब बोलते हैं जहाँ मेरे हस्बैंड की कैसे क्यों करती है, तो उनको एक बार रेप केस में फंसा भी देती है, थाने में जाके देते आवेदन, बोलते हैं तो कुछ यही नहीं करते है, थाने वाले आके जो है ना गाली गलौज करके जाते हैं हम ही को। भागलपुर साहिबगंज के पीताम्बर चौक स्थित भाकपा माले नेता एवं पूर्व पार्षद पीताम्बर यादव की 17वीं स्मृति दिवस पर मंगलवार को उनकी प्रतिमा से स्मारक स्थल पर संकल्प सभा आयोजित की गई। कार्यक्रम की शुरुआत पीताम्बर यादव की प्रतिमा पर माल्यार्पण और पुष्पांजलि देकर की गई। वहीं संकल्प सभा की अध्यक्षता भाकपा माले के साहिबगंज शाखा सचिव बीरबल कुमार यादव ने किया। कार्यक्रम के दौरान संकल्प सभा को संबोधित करते हुए वक्ताओं ने मोदी सरकार पर विनाशकारी नीतियों एवं कार्यवाही करने का आरोप लगाया, साथ ही कहा कि मोदी सरकार की कॉरपोरेट परस्ती ने आम लोगों की जिंदगी को गहरे संकट में डाल दिया है। इसके अलावा मौजूद वक्ताओं ने कहा कि पीताम्बर यादव और शहीद रामदेव समेत तमाम शहीदों को नमन करते हुए कहा कि वे सभी इन लोगों के सपनों का भारत बनाने के लिए आगे बढ़ने और फासीवादी भाजपा आरएसएस को शिकस्त देने के लिए तैयार है। संकल्प सभा में भाकपा माले के राज्य कमेटी सदस्य एवं एक्टू के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष एस के शर्मा, जिला सचिव विंदेश्वरी मंडल महेश प्रसाद यादव समेत काफी संख्या में लोग मौजूद रहे। आज हम लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं भाकपा माले के नेता और पूर्व पार्षद कॉमरेड पीताम्बर यादव की 17वीं स्मृति दिवस पर, और इस अवसर पर हम लोगों ने यहाँ संकल्प सभा का आयोजन किया है। हम लोगों ने यहाँ पर फासीवाद मिटाओ लोकतंत्र बचाओ का संकल्प ले रहे हैं और मोदी सरकार के खिलाफ निर्णायक लड़ाई का ऐलान कर रहे हैं। अभी हमारा अगले साल 15 फरवरी से लेकर के 20 फरवरी तक पटना में भाकपा माले का 11वां महाधिवेशन है, उसको लेकर के एक पूरा अभियान चलेगा और संविधान की रक्षा में हम लोग खड़े होंगे। और अंत में चलते चलते फिर से एक नजर आज की हेडलाइंस पर। विधायक के पुत्र पर गोलीबारी के लगे आरोपों का पुलिस ने किया खुलासा, एमएलए सहित 4 लोगों पर दर्ज हुआ FIR। नवगछिया में मुखिया के भाई पर अपराधियों ने की ताबड़तोड़ फायरिंग, गोलियों की तड़तड़ाहट से दहला इलाका। हथियार के बल पर जीप सदस्य के ड्राइवर से बदमाशों ने लूटे रुपये, जांच में जुटी पुलिस। वाहन जांच के दौरान ट्रैफिक पुलिस से उलझा युवक, जमकर हुआ हाई वोल्टेज ड्रामा। और उत्पाद विभाग के स्पेशल कोर्ट ने महिला को सुनाई 5 वर्ष कैद की सजा।
फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार।